नहीं, मंदिर के अंदर मैं गया भी नहीं था, मैं तो रोड पे था। पांच से सात लौंडे लोग इधर से उधर हमारे आगे पीछे दौड़ना शुरू कर रहे थे। यहाँ भाजपा और आरएसएस का गढ़ है और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कमल का चलना चाहिए, ये कांग्रेसी झंडा पंजा लेके कहाँ टहल रहा है। उन्हें पैरों से उसको हमारे झंडे को बुरी तरह से कचलना शुरू किया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और उन्होंने ऐसा हमारे साथ में किया, इसलिए कि हम कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए थे और पंजे का झंडा लेके चलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष। मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या गया था। अयोध्या में गंगा स्नान के बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए जब पूरा प्रतिनिधि मंडल मंदिर पहुंचा तो वहां कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के साथ भाजपा के कुछ लोगों ने मारपीट की, उनके झंडे फाड़े और उनके साथ बदसलूकी की। वो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जिसके साथ ये बदतमीजी हुई, जिसके साथ ये बदसलूकी हुई, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्या था पूरा मामला, क्योंकि ये पूरा मामला जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है। बीजेपी के लोग लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में कांग्रेस का झंडा गया, इससे वहां उपस्थित आम लोगों ने आम लोग जो है वो आक्रोशित हो गए। लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि वहां जो झंडे के साथ हुआ या हमारे कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, वो करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी किए। हमारे साथ अनोखे दादा हैं। दादा, क्या हुआ था उस दिन, क्यों बीजेपी के लोगों से आपका यह विवाद हुआ, क्यों झंडा उन्होंने फाड़ा? फिर आपको मैंने वीडियो जो आया है उसमें दिख रहा है कि आपको उन्होंने पकड़ा भी, पुलिस वहां आई, या फिर आप डंडा तानते हुए दिख रहे हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दे रहा हूँ। मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रह के पूरे देश में मैं झंडा लेके, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके मैं चलता रहता हूँ। उस दिन का मामला ये था कि मकर संक्रांति के शुभ दिन पर माननीय अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, और उनके साथ में राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, सत्यनारायण पटेल और देवेंद्र हुड्डा जी थे। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, उनके साथ में उनके समस्त कमेटी दल के जो भी फ्रंटल थे वो सभी लोग, हम लोग जो है गंगा सरजू मैया में गया था रामलला के दर्शन के लिए। तो पहली बात तो हम लोग जो है गए हैं सरजू मैया, सरजू जी के डुबकी लगाए हैं। उसके बाद वहां से डुबकी लगाने के बाद हम लोग जो है नागेश्वर महाराज, वहाँ अयोध्या में नागेश्वर महाराज की पूजा बहुत तगड़ी होती है। उसके बाद हम लोग जो है फिर बजरंगबली के यहाँ गए, हनुमानगढ़ी गया, हनुमानगढ़ी में भी गया, वहाँ हनुमान जी का दर्शन किया। विवाद क्यों हुआ? विवाद तो अभी शुरुआत हो रही है, अभी तो हमारी ये चल रहा है। उसके बाद वहां से हम लोग जो है ये हुआ कि अब रामलला का, बजरंगबली का दर्शन हो गया, तो हम लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो बाकी हमारे समस्त पदाधिकारी जैसे माननीय राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, उनके तो साथ विवाद क्यों हुआ ये? वो लोग आगे चले गए तो मैं पीछे रह गया। मैं अपना झंडा रखने के विचार में था कि मंदिर के, रामलला के दरबार में मंदिर का झंडे का कोई काम तो है नहीं, मैं अपना झंडा कहीं एकांत रास्ते में किसी के यहाँ मैं खड़ा कर दूं, जैसे दुकान हो या किसी और चीज हो, उसको शायद दो भैया अभी मैं लौट के ले रहा हूँ। मैं इस चक्कर में रहा तब तक हमारे जितने प्रतिनिधि पदाधिकारी थे वो सब आगे निकल गए। अब मैं अकेला फंसा, तो वो लोग पांच से सात लौंडे लोग इधर से उधर हमारे आगे पीछे दौड़ना शुरू कर रहे थे। वो आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि ये यहाँ भाजपा और आरएसएस का गढ़ है और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कमल का चलना चाहिए, ये कांग्रेसी झंडा पंजा लेके कहाँ टहल रहा है, इसको करो। तो हमने हमारे बात में कुछ हमको शंका भाई, तो हमने अपना सतर्क होने की कोशिश किया ताकि झंडा हम रख दे, नहीं तो ये मामला हो सकता है कि हमारा भी, हम आए शांतिपूर्ण दर्शन कर रहे हैं और हर जगह चले आए, अभी यहाँ कुछ बवंडर हो जाएगा। इतने में दो लौंडे हमको सामने से हमारे आ गए और दो लौंडे पीछे से, तो पीछे से जो आने वाले थे, मैं झंडा लिया था, मेरा झंडा सीधा उन्होंने झंडे पर वार किया और दो आदमी जो है हमारे साथ में हाथाबाही करने से, तो हमारी भी उनकी भी भीड़ भीड़ा हो गई। अब उनके वो संख्या बल ज्यादा होने के नाते हमारा झंडा उन्होंने चीर लिया, डंडा तोड़ने की कोशिश किया, डंडा तो नहीं टूटा लेकिन झंडा से जो रसरी हमने बांधा था, डोरी बांधा था, वो झंडा समेत उन्होंने खींच लिया, सदस्य बाहर निकल गया। निकलने के बाद उन्होंने पैरों से उसको हमारे झंडे को बुरी तरह से कचरना शुरू किया, तो मुझको भी करना, मैं भी दौड़ा, हमारे हमको मारे तो ठीक है, मार दिए कोई बात नहीं है। और आपके साथ
मारपीट भी हुई वहाँ? हाँ सर, हमारे साथ उन्होंने हाथापाई किया है। अच्छा, फटाफट जो 5 से 7 लौंडे थे उन्होंने हमको मार दिया। कौन लोग थे वो? वो सर, सर जो हमको ये कह रहे थे कि भाजपा का झंडा और RSS का लेके चलना चाहिए, तो अब इसके मतलब ये हमको पूरा गणित, हमारा पूरा विश्वास है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और उन्होंने ऐसा हमारे साथ में किया, इसलिए कि हम कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए थे और पंजे का झंडा लेके चलता हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उसके बाद में हमारी उनकी भीड़ भिड़ा हो गई, भीड़ भिड़ा उन्होंने हमारे पार्टी जो हमारा पार्टी का झंडा लेके निकाल के उन्होंने लापारों से कुचरते हुए हमको जब देखा तो हमारे ऊपर भी गुस्सा है। मैं भी इसमें 56 साल की उम्र है, मैं लौंडा नहीं हूँ लेकिन वो लोग लौंडे थे। और उसके बाद फिर मैं उनसे हमारी उनकी भीड़ भिड़िया हो गई। उसके बाद वो CRPF वाले जो आ गए, वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई थी, सिविल पुलिस वाले आ गए, RSS कौन से कौन पुलिस, ढेर सारे आदमी आ गए, उन्होंने हमको पकड़ लिया। इतनी देर में उन्होंने हमारा झंडा उठाया और भाग गए। नहीं तो लेकिन मंदिर प्रांगण में दादा कोई किसी भी पार्टी का झंडा नहीं जाता है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि झंडा क्यों लेकर के? हाँ ये हमारी वो है, अगर हमको बता दिया होते वहीं से, जब हम झंडा जो सरजू मार कर वहाँ घाट पर जा रहे थे, नए घाट पर, वहीं से जब पुलिस हमको देखा था झंडा लेके उतर के जा रहा है, सरजू जो डुबकी लगा रहे थे माननीय हमारे पदाधिकारी, तो मैं वहाँ झंडा फहरा रहा था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन या किसी और अन्य वरिष्ठ मंदिर के पदाधिकारी को हमको मना कर देना चाहिए था, भाई यहाँ ये झंडा नहीं चलेगा। आप मंदिर प्रांगण में झंडा फहरा नहीं रहे थे, आप जगह खोज रहे थे कि रखने के लिए। हाँ, लेकिन हम उसके बाद वो लोग आए और झंडा को खींचा, फाड़ा, जमीन पर फेंका, पैरों से कुचला, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मतलब मंदिर प्रांगण में आप झंडा फहरा नहीं रहे? नहीं, मंदिर के अंदर मैं गया भी नहीं था, मैं तो रोड पे था। अच्छा, अभी मंदिर प्रांगण में नहीं? नहीं, हाँ सड़क पे हम है, रामलला के चौखट के बाहर मैं खड़ा हूँ और अंदर हमारे पदाधिकारी गए, मैं चौखट के, रामलला के चौखट के बाहर में खड़ा हूँ और इसी रास्ते में हमारे ये साथ ये हादसा हुई कि हमारे झंडे को उन्होंने ले गए। पार्टी किसी भी हो लेकिन झंडा फाड़ने का किसी का अधिकार नहीं है, उसे कार्यकर्ता का, राजा चाहे जितना बड़ी अभिमानी हो लेकिन किसी भी लेबर मजदूर को उसको मारने का हक नहीं है। तो मान लीजिए मैं झंडा लेके गया था, पार्टी का झंडा लेके गया था, कोई और किसी प्रकार को नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या सोच है, सब कहते हैं। मैंने उनसे यही भी कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, आप तो कहते हैं कणकण में भगवान है लेकिन यहाँ तो हमारे एक झंडे के ऊपर हमको इतनी बड़ी हमको हाथापाई मारे भी और उसके बाद हमारा झंडा, एक बुजुर्ग आदमी को भी मारने में संकोच नहीं किया और हमारे झंडे को उन्होंने जिस ढंग से लथारा है, इससे उनकी घोर निंदित करना भी, हम निंदा करें भगवान के दरबार में, लेकिन हमने तब भी कहा कि ये भगवान के दरबार में जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं होगा। और अगर ये राजनीतिक मामले से आप देखते हैं कि हम तो राजनीतिक मामले से मतलब झंडा पार्टी के लेके आए, हमारे समस्त पदाधिकारी आए हैं, चाहे माननीय राहुल गांधी जी आए, चाहे प्रियंका गांधी जी आए, चाहे खड़गे जी आए या और अन्य राज्यों में, पूरे देश में झंडा लेके चलता हूँ अपना झंडा। मैं तो स्टेशन पे भी सोता हूँ तो अपने झंडे को अपने बगल में रखे रहता हूँ। अच्छा। मतलब कहीं भी जाता हूँ तो मैं झंडा लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैं झंडा ले जाने से गुजर रहा था कि हम वहाँ रखेंगे तो हम कहीं रख दें, लेकिन उन लोगों ने तब तक हमारे ऊपर हमला करके हमारे झंडे को उन्होंने फाड़ के और पारों से लथारा है, इसलिए कि उन्होंने कहा था हमारे रास्ते में वो जब हमारे आगे पीछे चल रहे थे तो यही बोल रहे थे कि हाँ मैं तो RSS का हूँ और भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों नहीं लेके चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पंजा झा फहरा रहा झंडा। कितने सालों से ये जो कांग्रेस पार्टी का झंडा आप लेकर के चलते हैं, कितने सालों कब से आप इसमें झंडे लेकर के चलने का काम? मैं कम से कम 35 से 40 साल हमको हो गया है झंडा ले, हाँ झंडा लेके। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे यहाँ कभी संसद हुआ करते थे, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ में वो झंडा लेके छोटा सा झंडा, मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तब मैं झंडा लेके छोटे छोटे झंडे से लेके, लेकिन जब से माननीय राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ चुनाव लड़े हैं, मैं उनके पीछे चाहे जहाँ दुनिया में कहीं भी पता लग जाए, जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है मणिपुर से, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन ठंड होने के नाते हमारे पास में व्यवस्था न होने के कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया। तो हमने कहा चलो भाई प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, इनके साथ में हम भी जाएं भगवान के दर्शन कर आए, लेकिन तब तक उन लोगों ने हमारे साथ जो बदसूली की है इसके लिए मैं भगवान से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कलयुगी भगवान को मैं अपने मुख से चेतावनी देना चाहता हूँ। भगवान रामायण में भी लिखा है कि विप्र संत गुरु पूंजत राजा करें राम हित मंगल काजा। लोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता का झंडा लिए के नाते उनको मारे, हमको मारे और हमारे साथ जो बदसूली किया है, इसका साफ संकेत मैं दोनों हाथ से प्रार्थना किया है, रामलला से भी किया है, बजरंगबली वहां के सिद्ध हैं पृथ्वी के, कि ये
2024 की बात नहीं है, अब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और यही झंडा पूरे देश में फहरेगा। भगवान का आशीर्वाद मिला, आपने हमको मारा, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो ये जो पूरा मामला है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के दिन जो पूरा मामला हुआ था, उस वीडियो को लेकर के लगातार अलग अलग जो गोदी मीडिया के एंकर हैं या गोदी मीडिया का जो पूरा प्लेटफॉर्म है उस पर वीडियो चल रहा है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराया और उत्पात मचाने की कोशिश की, इस तरह की तमाम बातें लिखी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगा कि जिस व्यक्ति के साथ बदसलूकी हुई है, जिस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई है, उससे बातचीत की जाए और पूरी बात को आपके सामने लाई जाए कि क्या था पूरा मामला। इन्होंने बताया कि झंडा ये रखने की जगह खोज रहे थे और मैं अयोध्या में उस दिन था और मुझे कई लोग ये बात बताए कि जो वहां पे वो जिन लड़कों ने इनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, वो लगातार इस फिराक में थे कि इस पूरे मामले को जो मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें कोई ना कोई विवाद खड़ा किया जाए। और हर बार जब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाता है तो इस तरह के असामाजिक तत्व जो हैं वो लगातार इस पूरे उसमें डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बात किया हमसे और पूरे मामले को बताया। जी।